हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज हम दोस्तों इस वीडियो में आईटीबी कॉन्स्टेबल के बारे में गाइस कुछ जरूरी बात करेंगे। कुछ मेरे फ्रेंड्स के काफी कमेंट्स आ रहे हैं मुझे कि सर कितने बच्चे पास हुए हैं, हमारी मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगी, स्किल टेस्ट के बेस पे तैयार होगी या फिर जो हमारे मार्क्स आए हैं रिटन टेस्ट के ऊपर मतलब बेस पे बनेगी। तो गाइज मैं आपके सारे डिस्कस इस वीडियो में करूंगा। गाइज आपके सब डाउट मैं क्लियर कर दूंगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, आपको वीडियो गाइज पूरा देखना, आपको वीडियो स्किप नहीं करना है। और मेरे दोस्तों आप मुझे इतना प्यार दे रहे हो, मेरे वीडियोज को लाइक कर रहे हो, चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो, तो गाइज मुझे भी लगा कि यार मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो शायद गाइज मैं मजबूर हो गया वीडियो बनाने के लिए। तो गाइज आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद गाइज एंड थैंक यू सो मच। मैं आप सबका ही भाई हूँ यार, तो प्लीज चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करो और गाइज वीडियो को शेयर किया करो। ठीक है, आपका ज्यादा समय ना लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मैं सबसे पहले मैं आपको एक ऑफिशियल नोटिस दिखा देता हूँ, ठीक है, आईटीबीपी का। तो गाइज आपको फिलअप करना है यहाँ पे गूगल पे आईटीबीपी ड्राइवर ऑफिशियल नोटिस। ठीक है, तो मैं सर्च पे क्लिक कर लेता हूँ फ्रेंड्स एक बार। तो गाइज यहाँ पे देखिए आईटीपी कोस्टल ड्राइवर एडमिट कार्ड, तो मैं एक बार यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स नीचे आइए, तो यहाँ पे देखिए गाइज डाउनलोड नोटिफिकेशन। तो मैं यहाँ पे आपको जो इनका नोटिफिकेशन है गाइज ऑफिशियल, आपको वो दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड गाइज नीचे आइए, इसमें गाइज आपकी मैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूँ, आपकी 134 आपकी टोटल वैकेंसीज थी, जिसमें आपकी वीआर की 47 थी, एससी की 68 थी, एसटी की 5 थी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 14 वैकेंसी थी। ठीक है गाइज नीचे आइए। सबसे पहले गाइज बात आती है कि कितने बच्चे पास हुए हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले कि सर कितने बच्चे पास हुए, क्योंकि यार बहुत डाउट रहता है कि यार देखिए, अगर देखिए गाइज मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो यार मेरे मन में भी होता है कि यार मतलब कितने बच्चे पास हुए हैं और मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो काफी मन में डाउट्स रहता है यार। मैं जानता हूँ बात को, इस बात को सोचते हुए मैंने वीडियो बनानी पड़ी यार, कि मैं अपने भाइयों का एक डाउट क्लियर कर दूँ आराम से, कि उनको फिर आराम से तैयारी करने में कुछ प्रॉब्लम ना हो आगे। गाइज एक सेकेंड रुकिए, आपको दिखा देता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए द कट ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर क्वालिफिकेशन इन रिटन एग्जाम विल बी एन अंडर। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आप जनरल एंड एक्सर्समैन की गाइज 35% मार्क्स हैं, एस सी एस टी ओबीसी के लिए 33% मार्क्स हैं। तो गाइज मैं आपको मैं बता दूं, जो भी जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं बंदे, अगर जिनका 35 वालों का सिलेक्शन इसमें हुआ है रिटन टेस्ट में, वो पास किए गए हैं 35% वाले, मतलब 35 नंबर वाले, इसमें सभी का सभी बंदे पास कर दिए गए, सभी स्टूडेंट इसमें पास कर दिए गए हैं जनरल वाले। और एस सी एस टी ओबीसी वाले गाइज इसमें जिसके भी नंबर 33 थे ना गाइज, वो सभी पास कर दिए गए हैं इसमें, जिसके नंबर 33 थे एस सी एस टी ओबीसी वाले, वो सब बंदे पास कर दिए गए हैं गाइज। ओके, आपको आराम से सुन लिया होगा आपने, आपको बात समझ में आ गई होगी, मैं इतनी आपसे उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब गाइज आपका एक सवाल और बनता है कि सर इसकी मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, हमारा नाम आएगा नहीं आएगा। देखिए गाइज मैं भगवान नहीं हूँ, बट मैं बस बता सकता हूँ कि आज आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बस उम्मीद रख सकते हैं यार। मैं तो चाहता हूँ मेरे बस सब भाई इसमें लग जाएं, लेकिन भाई देखिए आपके ऊपर डिपेंडेड है, कुछ लक भी साथ देता है और कुछ आपके पेपर साथ देगा, अपने पेपर में कैसा मतलब क्या आपका पेपर कैसा हुआ उसके ऊपर डिपेंडेड होता है। तो गाइज यहाँ पे देखिए द कट ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर क्वालिफिकेशन रिटन एग्जाम विल बी अंडर। गाइज जो आपकी कट ऑफ तैयार होनी है, जो कि मेरिट लिस्ट बनेगी आगे चल के, आपका रिटन टेस्ट हो चुका है, अभी आपकी जो इसमें स्किल टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपकी फाइनल टेस्ट, फाइनल जो लिस्ट आपकी बनेगी, कट ऑफ बनेगी, फाइनल बनेगी, इसके बाद सीधी ट्रैक। ठीक है, आपका अब हो जाएगा स्किल टेस्ट, इसके बाद फिर आपका मेडिकल और फिर आपकी कट ऑफ फाइनल। ओके, तो गाइज यहाँ पे देखिए आप द कट ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर क्वालिफिकेशन रिटन एग्जाम विल बी अंडर। तो गाइज आपका जो भी स्किल टेस्ट होना है वो आपको ओनली पास करना है। हाँ जी दोस्तों, मैंने एकदम सही कहा है कि आपको ओनली पास करना है, इसमें आपका जो नंबर मिलेंगे वो आपके ऊपर डिपेंडेड है, आप कितने मार्क्स लेते हो उसमें, आपकी जो कट ऑफ बनेगी गाइज वो इस पे नहीं बनेगी कि आपको उसमें अच्छे नंबर लेने, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपनी पहली वीडियो में बोला होगा उसके लिए सॉरी गाइज, लेकिन आपको मैं अभी बता रहा हूँ, आपको ओनली वो पास करना है, आपको 10 मार्क्स लेने उसमें ओनली, आपकी वो मर्जी है आप उसमें कितने मार्क्स लें, वो है 50 नंबर का आपका, आपकी बात सही है, 50 नंबर का टेस्ट होगा आपका वो स्किल टेस्ट जो है, लेकिन गाइज वो आपको बस ओनली पास करना है। जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, मैं इस नोटिफिकेशन में जो गाइज आप देख रहे हैं नोटिस, मैं इस नोटिस के अनुसार आपको बता रहा हूँ, जो आपकी गाइज कट ऑफ बननी है वो आपकी ओनली रिटन के बेस पे बनेगी। ठीक है, और आप कितने मार्क्स आए हुए हैं आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, और मैं आपके लिए कुछ ही दिनों में फाइनल मेरिट लिस्ट की जो वीडियो है मैं आपके लिए लाने वाला हूँ गाइज। और जो मेरे फ्रेंड्स वीडियो का वेट कर रहे हैं, प्लीज मुझे बता दीजिए कि फ्रेंड्स
कि हम सर आपकी वीडियो का वेट कर रहे हैं, ठीक है? तो प्लीज मुझे बताइएगा कितने जो मतलब स्टूडेंट है जो वेट कर रहे हैं कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ का, तो मुझे बता दीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपका कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी वो डाउट रहता है आप मुझे प्लीज कमेंट कीजिएगा कि सर मेरा ये मतलब ये डाउट है, तो गाइज मैं आपका डाउट पक्का क्लियर करूंगा, प्लीज मुझे बता दीजिएगा। और जिन मेरे फ्रेंड्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा,